हेलो एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अल्फा एस एकेडमी डिजास्टर मैनेजमेंट सिटीज़। और आज हम हैं लास्ट लेक्चर पे, कंक्लूडिंग करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर रखेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फ्री फाउंडेशन कोर्स पूरा का पूरा आपको मिलेगा अल्फा एस एकेडमी पर, और उसके जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका कि लिंक नीचे दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट जिसका कि लिंक नीचे दिया हुआ है आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लगती है कि हम कर सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू टेल अस। और आपका फीडबैक ही हमें इम्प्रूव करने पे, हमें और मेहनत करने पे मजबूर करता है, और आपका फीडबैक ही हमें हमारे कोर्सेज को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो लेट्स बिगिन फॉर द डे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कंक्लूडिंग है, थोड़ा सा दो चार टॉपिक्स हैं जो हमने छूट गए थे, लाइक डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, हम बात करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, बट भैया डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जो आपका डिज़ास्टर आए और आप टिका रहे, मजबूती से रहे, डटा रहे डिज़ास्टर के सामने। ऐसा नहीं कि डिज़ास्टर आया आपकी बिल्डिंग नीचे आ गई, डिज़ास्टर आया आपका हाउस नीचे आ गया, डिज़ास्टर आया आपका ऑफिस गिर गया या उसमें पानी घुस गया। तो हम आपको एग्जांपल्स भी देते हुए आ रहे हैं ओवर द टाइम के डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता कैसे है। तो दो टाइप से उसमें मेजर्स ले सकते हैं आप। एक तो स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हैं, जैसे एडजस्टेड इंजीनियरिंग डिज़ाइंस, दैट रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू दी नीड। जैसे मान लिया कहीं फ्लड की प्रॉब्लम है, तो हमने आपको दिखाया था कि नीचे आप जो है पाइप लगा सकते हैं पानी की निकासी के लिए। कहीं अगर अर्थक्वेक है तो आप ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग ना बनाएं, पक्के बनाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखें। तो ये सब क्या है? ये सब स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं। नॉन स्ट्रक्चरल में क्या कर सकते हैं कि आप रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग कर सकते हैं, इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा इकोलॉजी वहाँ से की इकोलॉजी से मिलता जुलता बनाए, क्योंकि किसी भी जगह की इकोलॉजी जो होती है वो वहाँ का डिज़ास्टर रोकने के लिए बनी होती है। वो क्योंकि ओवर द ईयर्स वो खड़ी रहती है। भाई इतने साल से एक जगह पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो खड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि दे आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स स्ट्रक्चर, एंड वो फाइट भी कर रहे हैं डिज़ास्टर से। तो हम इन लाइन विद सीख सकते हैं, जैसे क्या था कि हमारी आँख से जो हमारा आँख का मैकेनिज्म होता है उससे हमने कैमरा बनाया, वैसे ही हम नेचर से सीख के जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। और इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब कि आप जो है अराउंड एरिया, जैसे आपने शेल्टर, मैंने आपको बताया था कोस्टल एरियाज़ में अगर आप पेड़ लगा दें तो आप सुनामी या कोई भी वेव आई तो उसकी जो स्पीड होती है, फोर्स होती है, उसको रोक सकते हैं, तो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन वट वाई देर इज़ अ इंक्रीजिंग नीड ऑफ डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो है ओवर द ईयर्स, ट्रॉपिकल कंट्री है, कोस्टल एरियाज़ में हमारे स्टेट्स लगते हैं, तो ओवर द ईयर्स हम मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप के, सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शन को छोड़ के ऑलमोस्ट हर टाइप के डिज़ास्टर से गुजरते हैं। लैंडस्लाइड हमारे यहाँ होती है, अर्थक्वेक हमारे यहाँ आते हैं, फ्लड्स हमारे यहाँ आते हैं, साइक्लोन्स हमारे यहाँ आते हैं, हर चीज़ हमारे यहाँ आती है। तो हमें जो है ओवर द ईयर्स मजबूत होना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो सकती है कि प्रिपेयर फॉर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड नेचुरल डिज़ास्टर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इट विल लीड टू मोर डिज़ास्टर्स, है ना, ये विशियस साइकिल है। एक क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर को बढ़ाता है और डिज़ास्टर फिर इन रिटर्न क्लाइमेट चेंज को और चेंज करता है, ठीक है। तो जैसे क्या हो सकता है कि हम तैयार रहें कि भाई यहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं या कहीं पे एक्सेसिव रेनफॉल हो सकती है, तो वहाँ पे हम ड्रेन साफ़ करें, ड्रेन्स को और बड़ा बनाएं कि भाई मान लिया 300 क्यूबिक फीट तक वो पानी ले सकता था, तो हम इमेजिन करें कि भाई 100 साल बाद हो सकता है 600 क्यूबिक फीट तक पानी की ज़रूरत पड़े, तो अपने ड्रेन्स को हम वैसे ही डिज़ाइन करें। देन जो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए वो बड़ा इफेक्टिव एंड स्विफ्ट होना चाहिए, फास्ट रिकवरी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्यूरिंग डिज़ास्टर, लाइक पावर, टेलीकॉम, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, ये सब जो है बड़ा रोबस्ट रहे, बड़ा तेज रहे। जैसे बड़े अच्छे एग्जांपल है, साइक्लोन फैनी के टाइम पे अराउंड 6,000 स्कूल्स वर डैमेजेड एंड 1031 हेल्थ फैसिलिटीज़ वर डैमेज, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उड़ीसा ने उनको रिबिल्ड किया इन अ वेरी फास्ट मैनर। और वही जो आइडिया था कि बिल्ड बैक बेटर, वो फिलॉसफी उन्होंने अपनाई। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल था कि साइक्लोन फैनी, इनफैक्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं इनमें फ्रीक्वेंटली साइक्लोन आते रहते हैं। तो ओवर द ईयर्स इन्होंने स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर ली कि कैसे उन डिज़ास्टर से लड़ना है। देन ऑफकोर्स ये बात है कि जब डिज़ास्टर आते हैं तो इकनॉमी पे स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है, इकनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है ना, और
लोग इम्पैक्ट होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका इकोनॉमी एंगल भी देखें और जल्दी से जल्दी जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करें। देन इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, भाई हमने ये देखा कि जो पुअर लोग हैं दे आर अफेक्टेड ट्वाइस मोर देन दी अदर पीपल, या जो रिच लोग हैं, जो क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, साइड में रहेंगे, अनसेफ प्लेसेस में रहेंगे, और सेफ प्लेसेस में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी होती हैं। तो दिस मेक देम मोर वल्नरेबल टू दी अफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, और वो जो है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कच्चे हाउसेज में रहते हैं बहुत सारे लोग, है ना, वो क्या होता है, कच्चा हाउस जो होता है अगर बाढ़ का पानी एकदम घुस जाता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो एक टाइप का वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दैट मेक्स देम मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, ठीक है। देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टूवर्ड्स दी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2016 में था और 2019 में हमने बनाया, उसने वो फोकस करता है स्ट्रक्चरल मेजर्स एज वेल एज नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स पे, हम बता चुके हैं आपको। देन स्टेट स्टेप्स टेकन एट स्टेट लेवल, जैसे उड़ीसा हैड वर्कड ऑन, यू नो उड़ीसा ने क्या किया कि अब उन्हें पता था कि भाई बिजली अगर ऊपर रहेगी, फ्लड आया टावर गिर गए, तूफान आया टावर गिर गए, सुनामी आई टावर गिर गए, तो उन्होंने क्या किया कि अब ऐसा नहीं कि अंडरग्राउंड केबल्स अपरूट नहीं हो सकती है, पर अंडरग्राउंड केबल जो ज़्यादा सेफ रहती है, तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी केबलिंग थी, चाहे वो नेटवर्क की हो चाहे वो बिजली की हो, उन्होंने अंडरग्राउंड कर दी, दैट मेक्स इट मोर सेफ, ठीक है। तो वो ज़्यादा समय तक कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं अगर कोई डिजास्टर आता है, ठीक है। देन कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट इंडिया ने ही ये प्रमोट किया था, इंडिया ही इसको पायलट कर रहा है ये, एक्चुअली इंडिया बोलता है कि देखिए डिजास्टर को जो है हमें सबको साथ मिलके ही लड़ना पड़ेगा। तो इट ब्रिंग्स ऑन बोर्ड दी फॉरेन गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज, अदर स्टेक होल्डर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, इनको जो है ऑन बोर्ड लाता है और बताता है कि देखिए डिजास्टर से हमें लड़ना है और हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव भी हमारे पास, ठीक है, जैसे मेकिंग सिटीज रेजिलिएंट कैंपेन, ये UNDDR का है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का है। देन देर इज़ अ ग्लोबल प्रोग्राम फॉर रेजिलिएंट हाउसिंग, ये वर्ल्ड बैंक का है। देन AI इनेबल्ड असेसमेंट अप्रोच अपनाते हैं बहुत सारी कंट्रीज लाइक ग्वाटेमाला, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फिलॉसफी हो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और डिजास्टर से इफेक्टिवली फाइट किया जा सके। तो वही फिलॉसफी है कि बिल्ड बैक बेटर, जो शेंडाई फ्रेमवर्क को भी आउटलाइन करती है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। देन कम्युनिटी लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट, अब मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो लोकल लोग होते हैं, भाई उड़ीसा में मैं बोल रहा हूँ बाढ़ आ रही, तो कोस्टल एरियाज के अराउंड लोग रहेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो होंगे, NDRF, SDRF तो बाद में पहुँचेगी वहाँ पे। तो जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम उनको ट्रेनिंग दें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो जो लोकल लोग हैं या लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन देम, टू मेक देम अवेयर एंड टू टेल देम हाउ टू फाइट विद द अपकमिंग डिजास्टर, एंड यू नो दैट कैन बी डन वाया गुड डेटा एंड गुड एक्सपर्ट्स, और आप ट्रेन करें उनको और टाइम टू टाइम उनको नॉलेज डिसेमिनेट करते रहें, ठीक है। और चार बेसिक कंपोनेंट्स पे होती है बेसिकली, आप पहले प्रिवेंट करें डिजास्टर को, प्रिपेयर्ड रहें, और जो अगर आ जाए तो रिस्पॉन्स और रिकवरी, इन चारों पे ध्यान देना चाहिए। उन चारों कंपोनेंट्स के अंदर ही जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो सिकंडर दी जानी चाहिए। इनफैक्ट कोई भी चीज़ आपको इकोनॉमिकली नहीं तोड़ती, वो आपको साइकोलॉजिकली भी तोड़ती है, सोशली भी तोड़ती है। तो इनफैक्ट कम्युनिटी एज अ एट लार्ज, जब वो साथ काम करेंगे, साथ रहेंगे, एकजुट होकर डिजास्टर से लड़ेंगे, तो वो उनको सोशो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि लड़ने के लिए आपको, वो बात कहते हैं ना कि भाई लड़ने के लिए आपको हथियार की नहीं, अपने करेज की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मैंने आपको बहुत अच्छी गन दे दी और आप डरपोगे तो आप भाग जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आपके अंदर वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हो किसी भी चीज़ से लड़ने की, ठीक है। देन देर आर स्टेप्स टेकन बाई दी गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने अपस्किल किया है, एक हमारी आपदा मित्र स्कीम थी, तो उन्होंने एक ये कवर करती है 350 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को जो फ्लड प्रोन है, लैंडस्लाइड प्रोन है, साइक्लोन प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि 1,00,000 वॉलंटियर्स को, कम्युनिटी वॉलंटियर्स को ट्रेन किया टू फाइट विद द डिजास्टर, एंड इन व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स टू हैव अ गुड रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। देन NDRF का एक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें कि वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को बताते हैं कि भाई कैसे अगर डिजास्टर आ जाए, ड्रिल्स होती है स्कूल्स में, अगर मान लिया कोई डिजास्टर आ जाए आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देन
NDRF ही कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है जिसमें कि वो वेरियस कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजास्टर इंश्योरेंस। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले आपको बार बार मैसेज करेंगे कि आप एक वॉच लीजिए, आप हमें दिखाइए कि 10,000 स्टेप आप डेली चलते हैं और हम आपका प्रीमियम अगली बार 1,000 रुपये कम कर देंगे, या आपको हम बुक माई शो का एक कूपन देंगे, या आपको किसी भी चीज़ का मसल ब्लेज का या किसी जिम की मेंबरशिप में ऑफ देंगे, ठीक है। तो आप दिखाइए और हम आपको देंगे। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनका हेल्थ इंश्योरेंस क्या है भाई, वो तो आप जब आप बीमार पड़ोगे तब यूज़ करना है आपने। अगर कंपनी ऐसे मैकेनिज्म बना दे कि भाई आप पहले ही फिट रहे हैं, बीमार ना पड़े, तो पैसे तो उन्हीं का बच रहा है ना भाई, 1 रुपये खर्च करके उनके 100 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए डिजास्टर इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इट प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। एंड उसी पे काम करता है हायर जो और जिस इंश्योरेंस पे और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स काम करते हैं, हायर द रिस्क हायर द प्रीमियम, एंड इट क्रिएट्स अवेयरनेस टूवर्ड्स वल्नरेबल एरियाज एंड मोटिवेटिंग पीपल टू सेल्फ इन सेटल इन रिलेटिवली सेफ एरियाज, ठीक है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं एक जगह रहता हूँ, यहाँ पे कभी फ्लड आ सकता है, मैंने हेल्थ यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मुझे 10,000 रुपये का पड़ रहा है। हेल्थ अगर मैं वाई जगह चले जाता हूँ, ये थोड़ी सेफ प्लेस है, यहाँ मुझे 2,000 रुपये का पड़ रहा है, तो मेरे पास एक इंसेंटिव है कि मैं एक्स से वाई जगह मूव कर जाऊँ, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है एक कल्चर ऑफ सेफ्टी और कल्चर ऑफ प्रिवेंशन बढ़ाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का एक डिजास्टर रिस्क फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो हेल्प करता है कंट्रीज को टू इंश्योर दैट द पॉपुलेशन आर फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड इन ए इवेंट ऑफ डिजास्टर। अगर डिजास्टर हो जाए कभी तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनके पास किस टाइप का इंश्योरेंस है। ऐसे ही लीगल जुडिशियल सिस्टम, जैसे हमने बात की थी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की, आपका नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बात की थी हमने, तो वो क्या है, वो भी एक टाइप के इंश्योरेंस ही है कि ठीक है भाई आप इंटेंशनल था नहीं था आपका एक्ट, बट अगर किसी को नुकसान हुआ तो आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट? देखो डिजास्टर मीडिया का काम है क्या, इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो मीडिया जो है बहुत हेल्पफुल हो सकती है एट टाइम्स, अभी थोड़ा सा कट रहा होगा साइड में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। वो जो है लोगों को एजुकेट कर सकती है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, हैजार्ड वार्निंग पहुँचा सकती है, गैदरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अफेक्टेड एरियाज, एंड ऑल्सो अलर्टिंग द गवर्नमेंट फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ, है ना। वो दोनों काम कर सकती है, वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती है और वापस गवर्नमेंट तक इन्फॉर्मेशन दोबारा पहुंचा सकती है कि भाई कैसा रेस्क्यू चल रहा है, क्या रिलीफ चल रहा है। भाई मुझे तो, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रेस्क्यू चल रहा है, मेरे पास एक मीडिया रिपोर्ट आई, मैंने देखा कि यार लोगों का रेस्क्यू नहीं हो रहा, लोग अभी भी छतों के ऊपर फंसे हुए हैं जहाँ फ्लड वाटर था। तो मीडिया जो है बड़ा अच्छा काम करती है बोथ वे, ठीक है। प्री डिजास्टर में कैसा काम कर सकती है, इट कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज डिजास्टर इशूज, ठीक है, उसको एक इशू बना सकती है। देन इट कैन एक्ट एज अ कम्युनिकेटर फॉर अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन, भाई अवेयरनेस फैला सकती है कि जैसे आप कितने सारे एड्स चलते रहते हैं मीडिया में, जब डेंगू का सीज़न आने वाला होता है तो कितने सारे मीडिया में एड चलते रहते हैं कि पानी को जमा ना होने दें, कूलर की ट्रे खाली करें, एसी की ट्रे खाली करें, अपने आसपास खड़ा पानी ना होने दें, फ्यूमिगेशन करें, इसका इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करें। तो ये क्या टाइप की अवेयरनेस फैलाता है मीडिया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। ड्यूरिंग डिजास्टर क्या कर सकता है, वो नीडी स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, सिचुएशन का ओवरव्यू दे सकता है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि सारे कन्वेंशनल कम्युनिकेशन ठप हो जाते हैं, बट सोशल मीडिया कई बार चालू रहता है, नेटवर्किंग सर्विस चालू रहती है, उसकी जगह क्या होता है, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल था फेसबुक के टाइम पे, याद है अभी एक डिजास्टर आया था तो लोग ऐसा करने थे मार्क सेफ, ठीक है, तो भाई पता लग गया मार्क सेफ, मैंने अपने आप को मार्क सेफ कर लिया तो लोगों को पता लग गया नहीं यार वो मार्क सेफ है, तो वहाँ पे तो हमें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, या मार्क अनसेफ मार्क कर दिए तो यार उसको जल्दी जल्दी पहुँचाओ। तो लोग भी जो है बड़ा अच्छा काम करते हैं, जैसे कोविड में क्या हुआ, लोगों ने आपस में ही कोऑर्डिनेट किया कि हाँ यहाँ पे इस हॉस्पिटल में बेड्स खाली हैं, इसमें नहीं है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए होता है हर चीज़ में, और गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं जुगाड़ सकती, तो लोगों ने आपस में ही कोऑर्डिनेट करके मदद करके बहुत सारे लोगों की मदद करी, तो बड़ा क्लासिक एग्जांपल था वो कोविड के टाइम पे। ऐसे ही सोशल मीडिया का यूज़ किया कर सकते हैं, है ना। देन पोस्ट डिजास्टर में क्या कर सकते हैं, वो जो है आपको इट कैन कलेक्ट मटेरियल रिसोर्सेज एंड दी एनलिस्टिंग ऑफ मैन पावर बाई अपीलिंग टू द पीपल टू कम फॉरवर्ड टू लेंड देयर हेल्प, है ना, कि आप डोनेट करें, आप आ सकते हैं तो आए, वहाँ पे जो है अनाज भिजवाएं, कपड़े भिजवाएं, है ना, बहुत सारे कितने वो चलते हैं। कई बार आप स्कूल में भी जब रहे होंगे, कितने सारे जब डिजास्टर आता था तो एक बॉक्स रख दिया जाता था असेंबली में, उसमें लोग बच्चे पैसे पुटअप करते थे, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 2 रुपये, वो एक एक रुपये भी मैटर करता है, क्योंकि वो एक, देखो सोचो, एक एक रुपये अगर 140 करोड़ भारतीय देंगे तो 140 करोड़ रुपये बनते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपके एक, आपका 1 रुपये देने से कुछ नहीं होगा, वो 1 रुपये भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो
मीडिया अपील कर सकती है, मीडिया इसमें हेल्प कर सकती है, बट कंसर्न्स हैं उसमें भी। क्या होता है कि आज के टाइम फेक न्यूज़ तो है ही है, तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है मीडिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, जिससे क्या होता है थोड़ा स्पेकुलेशन बढ़ जाता है। वेरीफाइड कंक्रीट इन्फॉर्मेशन जो मीडिया में लोगों तक पहुँचनी चाहिए वो स्पेकुलेटिव, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है, इस टाइप की न्यूज़ आने लगती है, जिससे कि लोगों में अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो सकता है ना, लोग पैनिक कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, कोविड में क्या हुआ, इतनी लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गई, सिर्फ उसमें मीडिया का थोड़ा उसमें मीडिया अपना सेंसिटिव रोल प्ले करता तो शायद वो सब चीज़ें रोकी जा सकती थी, क्योंकि मीडिया वहाँ पे सेंसिटिव नहीं रहा, उसने सेंसलाइजेशन किया उस न्यूज़ का, और उसके चलते क्या हुआ, लोगों में पैनिक क्रिएट हो गई। क्या होगा जब लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो किसी भी सिचुएशन को, उस सिचुएशन को काबू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जो न्यूज़ होती है उसको सेंसलिज्म की तरह प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया शुड बी सेंसिटिव इनफ, मैच्योर इनफ टू डील विद दिस इन्फॉर्मेशन, एंड दे शुड ओनली डाइवर्ज द इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी वेरीफाइड कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज, एंड यू नो दे शुड एक्ट एज अ सपोर्टिंग एट नॉट एज अ बैरियर टू द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। देन ऑफकोर्स मीडिया के बाद हमारे सिविल सोसाइटीज़ है, NGOs हो गए, तो क्या होता है कि उनके पास बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, उनके पास फ़ायदा क्या है, उनके पास बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पास बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रहती है, उनके पास एडवोकेट्स रहते हैं, उनके पास नॉलेज का भंडार रहता है, उनके पास ग्राउंड वॉलंटियर रहते हैं जो ग्राउंड्स पे काम कर सकते हैं ना, जैसे ईशा फाउंडेशन है जो सदगुरु जी की है, उसके बाद आपका कितने सारे एन नंबर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग है, उसके कितने सारे वॉलंटियर्स हैं जो एट टाइम्स दिखाई देते हैं काम करते हुए, है ना। वेरियस ग्रुप्स हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके मेंबर्स आपको दिखेंगे, है ना। जैसे कोविड के टाइम पे एक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद इट वाज अ पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मतलब जगह जगह पे उन्होंने बाई किया अपना इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर, और जगह जगह उन्होंने बांटे। तो कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, उसने हमें बताया कि हर आदमी की अपनी इंपॉर्टेंस है, सिविल सोसाइटी की अपनी इंपॉर्टेंस है, मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, इंडिविजुअल पीपल की अपनी इंपॉर्टेंस है, सोशल मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, न्यूज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, सब चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट जो सिविल सोसाइटी हो सकती है वो आपको पॉलिसी फॉर्मेशन में काम करती है, क्योंकि दे आर नॉलेज बेस्ड, उसके बाद पॉलिटी इंप्लीमेंटेशन में काम कर सकती है क्योंकि उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं ग्राउंड पे होते हैं। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपको हेल्प करती है, उनका ह्यूमन रिसोर्स बेस बहुत बड़ा होता है। दस फोकसिंग ऑन एंड एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी मे बी क्रूशियल इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। फिर क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर, देखो क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर भाई भाई हैं, आपस में दोनों को सपोर्ट करते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज से डिजास्टर होगा, फिर डिजास्टर से फिर और क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बट होता क्या है कि नेचुरल डिजास्टर से क्या होता है कि हज़ार्ड्स बढ़ते हैं, जो वनरेबल होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। और देखो नेचुरल हज़ार्ड कभी डिजास्टर तब तक नहीं बनता जब तक वो किसी को इफेक्ट ना करे। जैसे मान लिया मैं जो हूँ यहाँ माउंटेन में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर नहीं है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होगी तो किससे फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एन नंबर ऑफ जगह पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, बट अगर यहाँ लैंडस्लाइड होगी तो पता लगा हज़ार लोग मर गए, तो ये डिज़ास्टर हुआ, लेकिन ये डिज़ास्टर नहीं हुआ। तो सारे नेचुरल हज़ार जो होते हैं वो डिज़ास्टर नहीं होते, वो डिज़ास्टर में तब बदलते हैं व्हेन देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्सपोज्ड वल्नरेबल एंड इल प्रिपेयर्ड पॉपुलेशन और कम्युनिटी विद अ हज़ार्ड इवन दैट रिजल्ट्स इन अ डिज़ास्टर। इनफैक्ट जो क्लाइमेट चेंज है वो दो टाइप से इफेक्ट करता है, एक तो आपका वो डिज़ास्टर रिस्क बढ़ाता है और इकोसिस्टम डिग्रेड करता है। कैसे भाई, डिज़ास्टर रिस्क कैसे बढ़ाता है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे, क्लाइमेट हज़ार्ड बढ़ेंगे, तो आपकी जो वल्नरेबिलिटी है डिज़ास्टर्स के को लेकर वो आपकी बढ़ गई, देन इकोसिस्टम डिग्रेड करेगा, मतलब रिडक्शन इन, है ना, आपका फूड ग्रो होना कम हो जाएगा, आपकी लैंड सेलाइन हो जाएगी, आपको जो है पेड़ पौधे उजड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो गया, रिडक्शन इन वाटर हो जाएगा, फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, आपके लाइवलीहुड मीन्स छिन जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप मोर वल्नरेबल बन जाएंगे डिज़ास्टर पे, ठीक है, और डिज़ास्टर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। दस क्लाइमेट चेंज leads disaster and disaster again leads to climate change and both of them, climate change as well as disaster, is responsible for putting people into poverty, putting people more at a more risk to you know at more risk in terms of economic, social, ठीक है। एंड बहुत सारे हमने लिए हुए हैं स्टेप्स,
कर रहे हैं काम, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर हैंड इन हैंड चलते हैं, तो हमें दोनों को दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ स्टेप्स लिए सरकार ने, जैसे रिफॉर्म्स बहुत सारी ली, जैसे स्वामित्व स्कीम आई इसमें कि वो प्रॉपर्टी कार्ड्स देते हैं, रूरल अर्बन मिशन है, स्टेट एक्ट्स और रेगुलेशन में चेंज किए गए, एम्फेसिस किया गया कि क्लाइमेट चेंज को जो है हम तो कम से कम एक्नॉलेज करते हैं क्लाइमेट चेंज कुछ है ना। यूएस में रिपब्लिकन पार्टी है वो तो एक्नॉलेज ही नहीं करती क्लाइमेट चेंज कुछ है। देन वी हैव रेजिलिएंट स्कोर्स है ना, हम ओवर द टाइम हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हम मैं बोल रहा हूँ कि आपको डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोला कल बन जाएगा, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड ग्रिट पुट इन टुगेदर, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक दैट। तो ओवर द ईयर्स लगते हैं, बट उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको आइडिया होगी प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को समझें, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें, तभी आप सही सॉल्यूशन दे पाएंगे। दस क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर गो हैंड इन हैंड। देन पावर्टी एंड डिजास्टर, देखो डिजास्टर हुआ, गरीबी थी, आप गरीबी थी, एक कम्युनिटी में गरीबी थी, वो अनसेफ प्लेसेस पे थे, उनके जो हाउसेस थे कच्चे थे, मोर वनरेबल हो गए वो किसके प्रति, डिजास्टर के प्रति, माइक्रो लेवल वनरेबिलिटी हो गई, नेचुरल हैजार्ड आया वो इफेक्ट हुई, पॉपुलेशन फ्लड आ गया मान लिया, वो डिजास्टर में चेंज हो गया, उनको इकोनॉमिक लाइवलीहुड उनका छिन गया, वो फिर गरीब हो गए। तो ये एक विक्षीसियस साइकिल है कि पावर्टी लीड्स टू डिजास्टर, लीड्स पीपल अगेन इनटू पावर्टी ट्रैप, क्योंकि वो लाइवलीहुड ऑप्शन छीन लेता है। ठीक है, तो और जो गरीब लोग होते हैं ज़्यादा वनरेबल भी होते हैं डिजास्टर, क्योंकि वो दे कैन नॉट, हम आपको बताते जा रहे हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड सेफ प्लेसेस एंड कैन नॉट अफोर्ड टू बिल्ड सेफ हाउसेज। तो इट इज़ वेरी इंपेरेटिव दैट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन, एंड वी एज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिवेलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन कैन सेव मैनी लाइफ्स, मेक पीपल लेस वनरेबल टू डिजास्टर। इनफैक्ट पॉलिसीज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी, दे कैन बी अ टूल बॉक्स टू काउंटर डिजास्टर, दे कैन एक्ट एज अ काउंटर एंटी, दे कैन एक्ट एज अ काउंटर टू डिजास्टर, है ना, वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे जैसे लोगों की डेवलपमेंट होगी दे कैन मूव टू सेफ प्लेसेज, दे कैन बिल्ड मोर सेफ हाउसेज, एंड दैट विल मेक दम लेस वनरेबल टू डिजास्टर ऑन दैट नोट वी विल बी कंक्लूडिंग आर लेक्चर सीरीज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा ईएस अकेडमी, इट्स बीन लॉन्ग टायरिंग डे फॉर अस, बट वी स्ट्राइव टू ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ द मटीरियल इन अ वेरी कंसाइज फॉर्म, एंड अल्फा ईएस ट्राइज टू सेव द प्रीशियस टाइम ऑफ द एस्पिरेंट्स, एंड अगर हमसे कोई गलती हो गई हो हमें माफ़ करिएगा, और आप प्लीज़ फीडबैक में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम अपने कोर्सेज को कैसे अच्छा और बना सकें। ये हमारी छोटी सी कोशिश है, और आपको आपने इस कोशिश को सराहा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और जल्दी हम नेक्स्ट सीरीज़ विद इन 2 to 3 days और 10 days हम लोग विल बी कमिंग विद आर न्यू सीरीज़ ऑफ एनवायरमेंट। इट विल बी अ बिग सीरीज़, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर मेकिंग इट कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर कर सकें, टॉपिक्स को आपको लूसिड अंडरस्टैंडिंग में समझा सकें कि टॉपिक्स है क्या, और जो अप्रोच है यूपीएससी को हम उसको फुलफिल कर सकें, यही हमारी कोशिश है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी शैल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, सी यू।